नमस्कार। एक टॉपिक है जिस पर हमारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इस पर बना दीजिए। एक्चुअली 7 सितंबर को एक आर्टिकल आया था जो फार्मर्स लॉ बने हुए हैं, तो उसमें एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ था, पिथ एंड सब्सटेंस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये प्री इंडिपेंडेंस कॉन्सेप्ट है और इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत आया था। और इसका सबसे पहला जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो प्रिवी काउंसिल का डिसीजन है, जो प्रफुल्ल कुमार बनर्जी वर्सेज बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड का केस था, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने अपना डिसीजन दिया था। AIR 1947, ऑल इंडिया रिपोर्टिंग 1947 के तहत इसे आप देख सकते हैं। तो इसमें आया था कि जो इसमें मामला ये फंसा था कि स्टेट ने कानून बनाया और वो कानून जो है मनी लेंडिंग को लेकर के बनाया, तो उसको चैलेंज कर दिया गया क्योंकि वो प्रॉमिसरी नोट्स पर इफेक्ट डाल रहा था। तो प्रिवी काउंसिल का डिसीजन ये आया कि यदि ये स्टेट सब्जेक्ट है पिथ एंड सब्सटेंस के, मतलब सब्सटेंटिवली इट फॉल्स इन द स्टेट लिस्ट, तो इसका इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट जो है वो इत्तेफाक से दूसरी लिस्ट के मैटर पर इसका अफेक्ट पड़ता है, तो इसकी वजह से यह कानून इनवैलिड नहीं होगा। अब इसको बिल्कुल देहाती तर्जुमा में समझ लेते हैं कि पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब होता है स्प्रिट माने एसेंस और एसेंशियल इंग्रेडिएंट। पिथ माने इसका सार जो है और सब्सटेंस का मतलब हुआ कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो उसका माने जो अंतर्निहित हिस्सा है। तो ये जो सब्सटेंटिवली कोई सब्जेक्ट किसी लिस्ट में है और उस पर कोई कानून बनाने का राइट, ये एक्चुअली भारतीय संविधान में आर्टिकल 246 के तहत दिया गया। इसी आर्टिकल के तहत 246 के तहत ही आपका जो शेड्यूल 7 है जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, तो उन सब्जेक्ट्स का बंटवारा जो है वो आर्टिकल 246 का ही शेड्यूलिंग है, उसकी ही एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेटरी पोर्शन है, जिनमें सब्जेक्ट्स की एंट्री दी गई है यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कंटेंट लिस्ट में। तो इसका एकदम देहाती में बात ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, मान लीजिए सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में और वो कानून राज्य बनाता है, तो वो कानून राज्य का बनाने का अधिकार है। और मान लीजिए कि वो इफेक्ट ये डाल देता है कि उसमें किसी एग्रीकल्चर में तमाम सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल होनी है जिनको इम्पोर्ट किया जाना है। अब इम्पोर्ट करने पर वो जो एग्रीकल्चर पर राज्य ने कानून बनाया वो इनडायरेक्टली इम्पोर्ट को भी प्रभावित कर सकता है, और इम्पोर्ट जो है वो यूनियन का सब्जेक्ट है। तो केवल इस आधार पर एग्रीकल्चर कानून को इनवैलिड नहीं कर दिया जाएगा राज्य के द्वारा बनाया, कि इसका जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो उस चीज़ पर पड़ता है जो राज्य के डोमेन में नहीं आता। तो न्यायालय ने कई बार कहा कि इससे तो फिर कोई कानून ही आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि हर कानून का बहुत दूर तक जाकर के जो असर पड़ता है वो सब जगह पड़ जाएगा। भारत किसी भी देश की सारी चीज़ें आप राज्य को, अब मिलिट्री का सब्जेक्ट है, केंद्र का सब्जेक्ट है, डिफेंस का है, एक्सटर्नल अफेयर्स का है, तमाम सारे मुद्दे ऐसे हैं जो यूनियन लिस्ट में हैं, लेकिन उनमें तमाम सारी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो राज्य के उसमें आते हैं। तो कह दो उनको लेकर के कोई कानून कैसे बनाओगे, डिफेंस को लेकर के कोई कानून कैसे बनाओगे, क्योंकि इनडायरेक्टली इसमें जो प्रोसेस है वो बाहर जवानों पर असर डालता है, जवान खेती से जुड़े हुए हैं और खेती के मामले को यदि आप प्रभावित कर रहे हैं तो ये इनडायरेक्टली स्टेट लिस्ट प्रभावित हो रही है। तो इस तरीके से तो कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है। ये सिंपल सा इतना कानून है कि जो जिस अथराइज्ड है, जैसे 246 ने अथराइज किया है कि यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उन पर यूनियन पार्लियामेंट कानून बनाएगी, जो स्टेट में सब्जेक्ट हैं उन पर स्टेट कानून बनाएगी, और जो कॉन्करेंट लिस्ट हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे, और फिर इनके रिस्पेक्टिव अपने डोमेन है कि कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर के किसको प्रेफरेंस मिला हुआ है, ये अलग से एक्सप्लेनेशन है। इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे गैम्बलिंग है, आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो गैम्बलिंग है ये राज्य का विषय है, लेकिन इसमें लॉटरी को एक्सक्लूसिवली जो है वो पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो इस तरीके की तमाम सारी बातें आप पढ़ सकते हो इसमें, लेकिन पिथ एंड सब्सटेंस का सीधा सीधा मतलब है कि यदि कोई विषय किसी लिस्ट में दिया गया है और वह
लेजिस्लेचर उस विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत है, तो उसके बनाए हुए कानून का इंसिडेंटल यदि असर किसी दूसरी चीज़ पर पड़ता है तो उसकी वजह से उस कानून को इनवैलिड नहीं किया जाएगा। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट में इंसिडेंटल बड़ा महत्वपूर्ण है, माने वो डायरेक्ट इफेक्ट यदि डाला है तो, और वो बनाया ही इसी पर्पज से गया है, जैसे फार्मर्स लॉ को लेकर के कहा जा रहा है कि भाई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है वो राज्यों का है और आपने कानून बना दिया है और राज्यों से इसमें सहमति नहीं ली गई है, तो राज्यों से सहमति नहीं ली गई है तो केंद्र कहता है कि हमने कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के तहत बनाया है, वो कंट्री लिस्ट में आता है। तो इस तरीके से उसमें, जैसे अभी एक कोऑपरेटिव्स को लेकर के जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें गुजरात हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया इन टोटो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बाइफर्केशन कर दिया कि जो स्टेट लिस्ट पर डायरेक्ट असर डाल रहा है उतना पार्ट, चूंकि राज्यों की सहमति इसमें नहीं ली गई अमेंडमेंट के तहत, तो उतने पार्ट को हम इनवैलिड करते हैं और जितना रिमाइंडर है तो उतने पार्ट को हम इसके लिए, मतलब वो वैलिडिटी उसकी बनी रहेगी कि जैसे आर्टिकल 19 में कोऑपरेटिव शब्द जोड़ा गया आर्टिकल 19 क्लास वन सब क्लास सी में, तो वो बना रहेगा, या आपने जो उसकी एंट्री की है वो एंट्री बनी रहेगी, लेकिन जो उसमें राज्य विषय का जो कोऑपरेटिव सब्जेक्ट है उसमें आप इंटरफेरेंस करने का राइट नहीं पाओगे। तो एक तरीके से इसमें दूसरी डॉक्ट्रिन लागू हो गई, जिसको भी हम बता देते हैं अभी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी क्या होता है कि कानून के उतने हिस्से को स्टैट्यूट से अलग कर लेंगे, माने उतने दैट पार्ट ऑफ द लॉ शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूट व्हिच इज इनवैलिड, तो उतना अलग करके उसको हम वाइट कर देते हैं या नल एंड वाइट कर देते हैं, तो उसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग द होल स्टैट्यूट इनवैलिड दैट पोर्शन व्हिच इज इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर इट इज इन द वायलेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और द सॉवरेन लॉ दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड डिक्लेयर वायरस, माने अल्ट्रा वायरस, और रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट इज इंट्रा वायरस एंड इट इज वायलेट, तो दिस सेपरेशन ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोर्सन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले कानून थे उनमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भी लागू हो जाता है कि दैट पार्ट इज एक्लिप्टेड डिक्लेयर्ड इनऑपरेटिव, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद उतने पोर्शन को हम एक्लिप्स नहीं कर पाते हैं, दैट बिकम्स दैट इज डिक्लेयर अल्ट्रा वायरस एंड द थिंग विच इज वंस डिक्लेयर अल्ट्रा वायरस कैन नॉट बी री एग्जीक्यूटेड आर री इनलाइवेंट, मानो उसको पुनर्जीवित आप नहीं कर सकते हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये होता। इसी के से मिलता जुलता एक और है, वो उसको कहते हैं हारमोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ जो है, ये जो अभी पिथ एंड सब्सटेंस पढ़ रहे थे उससे डिफरेंस है, उसको हारमोनी में देखना होता है कि माने द वन पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट इज टू बी ट्रीटेड एंड टू बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूट एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, इनको हम माने कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वाटर टाइट डिवीजन के तहत हम एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करके नहीं पढ़ते हैं, वरना जो स्टैट्यूट की स्प्रिट है उसको हम नहीं पढ़ पाएंगे। फॉर एग्जांपल कि आर्टिकल 53 कहता है कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड है वो प्रेसिडेंट है, और वो प्रेसिडेंट जो है आइदर हिमसेल्फ और थ्रू द सबॉर्डिनेट्स वो अपने इस अधिकार को अप्लाई करेगा, तो इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव है और वो चाहे तो अपने सबॉर्डिनेट्स ना रखे। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको आर्टिकल 75 पढ़ते हैं तो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स एक्ट ऑन द एडवाइस रेंडर टू हिम, तो माने उसको पढ़ने के बाद आप लग जाता है कि एक जैसे राष्ट्रपति होगा वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री भी होगी, और राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की सलाह पर ही काम करेगा, उसके सलाह के बगैर काम नहीं करेगा। 44th अमेंडमेंट से कह दिया गया कि सलाह को एक बार वापस कर सकता है। तो ये हारमोनियस कंस्ट्रक्शन है, माने जो हमारा पार्लियामेंट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि द पावर शुड मैच द अमाउंट ऑफ द पावर शुड मैच द अमाउंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो राष्ट्रपति चूंकि किसी काम के लिए रियल अकाउंटेबल नहीं होता है, इसलिए उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया है और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की सलाह पर काम करता है। तो पूरे संविधान की जो स्प्रिट है
वो ये है कि जो रियल पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के पास होगी, और जो अब लेकिन हर काम राष्ट्रपति के नाम पर होगा या संविधान में लिखा हुआ, तो हर काम राष्ट्रपति के नाम, हर अपॉइंटमेंट, हर कानून, हर विदेशी संधि, हर युद्ध, हर चीज़ राष्ट्रपति के नाम पर होती है। लेकिन ये सब काम जो राष्ट्रपति के नाम पर होता है, ये वस्तुतः काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, जहाँ कहा जाता है काउंसिल की सलाह पर करेगा, तो वहाँ माने प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर करेगा। जहाँ कैबिनेट कह दिया गया है, वहाँ मतलब है कि कैबिनेट की सलाह पर जहां लिख दिया जाए, दैट इज द डिफरेंट थिंग। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की सलाह पर जहां लिखा जाएगा तो वहां माने प्राइम मिनिस्टर की सलाह है, और जहां कैबिनेट लिख दिया जाए तो वहां ध्यान रखना कैबिनेट के प्रत्येक मिनिस्टर का उसमें दस्तखत होगा, तभी वो सलाह बाध्यकारी होगी। जैसे नेशनल इमरजेंसी, कैबिनेट के रिटर्न जो है सलाह पर राष्ट्रपति लगाता है, तो उसमें कैबिनेट का कोई भी मिनिस्टर नहीं लिखेगा तो नहीं लगेगा। कैबिनेट का मतलब होता है कैबिनेट माने ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट रैंक, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसका मतलब ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर। ये मैंने इसलिए बता दिया कि नॉर्मली इसका मतलब जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर शायद ही कहीं लिखा गया हो, सब जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री लिखा गया, लेकिन शायद ही कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का तो कभी डिलीबरेशन, कभी मीटिंग, कभी वो होता ही नहीं है। तो ये मैंने आपको, मैं रिकैप कर देता हूँ। पहले मैंने आपको पिच्स एंड सब्सटेंस बताया, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी बताई, और फिर मैंने हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की बात किया है, और सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत जो शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1951 के केस में, जिसमें फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, उसमें दिया गया था। तो बाकी तमाम सारे इसी तरीके के लॉज के बारे में बीच बीच में बताते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।